अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज आपको पता है कि हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग का आगाज़ हुआ था, जिसमें हम सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखा रहे हैं विद सर्टिफिकेट। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसके अंदर हम फेसबुक कैंपेन के ट्यूटोरियल देंगे, जो आपकी फेसबुक की कैंपेन होती है उसके क्या काम होते हैं और उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। चलते हैं क्लास की तरफ। ये हमारा एड मैनेजर है, इसमें अगर आप क्रिएट पे जाएँ तो यहाँ पर आपको अलग अलग कैंपेन्स नज़र आ रही है। ऑब्जेक्टिव, अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन और सेल। इसके अंदर सबसे पहले आपकी आती है अवेयरनेस। अगर आपका कोई फेसबुक पेज है, आपने बनाया है न्यू ब्रांड के हवाले से, तो जो आपका ब्रांड है आप उसकी अवेयरनेस चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि मार्केट के अंदर ये कोई ब्रांड आया है। तो अवेयरनेस से मुराद ये होता है कि ये आपको जो आपका ऐड होगा ये उसको दिखाएगा जो आपको ज़्यादा देर तक याद रखे या जो आपको फॉलो करे, लाइक करे और आपको ब्रांड की अवेयरनेस मिले। मतलब आपका कोई ब्रांड है, आपका कोई यूट्यूब चैनल है, आपका कोई ई कॉमर्स बिजनेस है, आप चाहते हैं कि फेसबुक पे लोगों को ये पता चले, तो उसके लिए कैंपेन हम रन करते हैं अवेयरनेस की। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। ये हमारी फेसबुक है, इसमें ये एक कंपनी है, ये एक ऐड चला रही है। अब इसके ऊपर इसने ये वीडियो चलाई हुई है, वीडियो के ऊपर आप देख रहे हो 9000 लाइक है, 465 कमेंट है और 865 शेयर है। तो ये होती है अवेयरनेस। ये अभी लोगों को बताना चाह रहा है कि फेसबुक के ऊपर आर्ट क्रिएशन कंपनी के नाम से कोई पेज है, तो ये स्पॉन्सर हुआ हुआ है। आप देखें, स्पॉन्सर का मतलब है कि ये पेड ऐड चल रहे हैं, ठीक है। ये आपके अवेयरनेस हो गई। और आपकी अब आती है ट्रैफिक। ट्रैफिक कैंपेन हम यूज़ करते हैं कि हमारा एक ब्रांड है, एक प्रोडक्ट है, हम उसको या वेबसाइट है हमारी, हम कस्टमर्स को वहाँ पर भेजना चाहते हैं। तो हमने एक ऐड रन करा, उसके नीचे हम एक बटन लगाते हैं जिसके अंदर आप कुछ भी लगा सकते हो, कोई वेबसाइट लगा सकते हो या आप फेसबुक पेज का लिंक डाल सकते हो या आप मैसेंजर पे भेजना चाहते हो या व्हाट्सअप पे या क्लाइंट से आप कॉल पे बात करना चाहते हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रैफिक। ट्रैफिक ऑब्जेक्ट, ट्रैफिक के अंदर आपका ऐसे होता है, आपकी एक प्रोडक्ट है, जैसे आपकी घड़ी है, आप उसको सेल करना चाहते हो, आपने एक डिज़ाइन बनाया, एड बनाया, कॉन्टेंट तैयार करा और उसके नीचे आपने बटन डाल दिया, ट्रैफिक को क्लिक करो और उसके नीचे आपने बटन डाल दिया, वेबसाइट का लिंक डाल दिया, या आप मैसेंजर पे कस्टमर्स को डील करना चाहते हो, मैसेंजर पे भेजना चाहते हो, तो उसको कहा जाता है, उसको ऑब्जेक्टिव यूज़ होता है उसके लिए ट्रैफिक का। उसके बाद आपकी आती है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट से मुराद वो होता है कि आप ज़्यादा मैसेज हासिल करना चाहते हो, वीडियोज़ के व्यूज़ चाहते हो या पोस्ट इंगेजमेंट चाहते हो, पेज लाइक और इवेंट रिस्पॉन्स, और जैसे कि आप पेज लाइक चाहते हो। इंगेजमेंट का सिंपल वर्ड के अंदर लाइक, शेयर, कमेंट। आपकी एक पोस्ट है, आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट चाहते हो कि लोग आपकी पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें, उस पर कमेंट करें, उस पर तबसरे करें, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव हम यूज़ करते हैं इंगेजमेंट। ये आती है लीड्स। लीड्स से मुराद होता है, मैं आपको फेसबुक पर दिखा देता हूँ लीड्स की कैंपेन। ये एक कैंपेन रन हो रही है इस टाइम, तो सोशल मीडिया प्रोफाइल परफॉर्म्स के हवाले से। इसके नीचे ये जो डाला हुआ है साइन अप, ये लीड जनरेट कर रहे हैं। इस पर हम जाएं तो ये जो इस पर साइन अप हम करेंगे तो वो एक लीड जनरेट हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई और एड मुझे यहाँ मिल जाए, अब ये ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन चल रही है BMG TV की, ये ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हैं। ऐसे तो फिलहाल कोई नहीं मिल रही। अब ये आपकी ट्रैफिक की है, ये ट्रैफिक की क्रेवमार्ट वाले ट्रैफिक की वेबसाइट चला रहे हैं। इस पर लिखा आ रहा है नीचे ऑर्डर नाउ, मतलब आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे, आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इनकी वेबसाइट पर चले जाओगे, तो वो उनको एक ट्रैफिक मिल गया, ठीक है। इसी तरह आपकी कोई लीड जनरेशन की, इन्होंने भी ये लीड जनरेशन की एक कैंपेन चलाई हुई है जीरा सॉफ्टवेयर ने। अब यहाँ पर साइन अप आ रहा है,
तो यहाँ पर जो लीड्स है, लीड्स का मतलब होता है लीड जनरेशन, इंस्टेंट फॉर्म, मैसेंजर कन्वर्जेशन या कॉल्स, हर ये चारों की सूरत में जो एक डेटा आपको मिलता है, नाम, ईमेल एड्रेस या आपका कोई भी एक डेटा फॉर्म है, आप फॉर्म फिल करवाना चाहते हो, रियल इस्टेट वाले ज़्यादातर लीड्स को यूज़ करते हैं, और कोई साइन अप कराना चाहते हो, इस तरह की लीड्स के अंदर ये ऑब्जेक्टिव रियल इस्टेट वाले ज़्यादातर यूज़ करते हैं लीड्स। इसी तरह आपका ऐप प्रमोशन, कोई आपकी एप्लीकेशन है या आपका कोई ऐप है, आप एक डेवलपर हो तो आप यूज़ करोगे ऐप प्रमोशन ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर आप ऐप इंस्टॉल करवा सकते हो, या आपका कोई इवेंट है आप उसके लिए वो इंस्टॉल करवाना चाहते हो एप्लीकेशन को, ये आपकी प्ले स्टोर के ऊपर, तो उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवाने के लिए आपको फेसबुक की के ऊपर एक कैंपेन चलानी पड़ेगी जिसका नाम है ऐप प्रमोशन। उसके बाद आपकी लास्ट आती है सेल्स। ये ऑब्जेक्टिव जो है ज़्यादातर ई कॉमर्स वाले यूज़ करते हैं, जिसके अंदर आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट हो जिस पे कन्वर्जेशन होती है, कन्वर्जन ऐड चलते हैं जिस पे पिक्सल भी सेट किया जाता है फेसबुक के वेबसाइट के। उसके बाद आपकी कैटलॉग सेल आती है, कैटलॉग सेल के अंदर वेबसाइट की भी कैटलॉग्स हो सकती है, व्हाट्सएप की भी हो सकती है। उसके बाद आपका सेल्स के अंदर आप अगर मैसेज कैंपेन चलाना चाहते हो कि आपके कोई प्रोडक्ट है और आप चाहते हो कि लोग आपसे उस बारे में मैसेंजर पे बातचीत करें, इंस्टाग्राम पे बातचीत करें, व्हाट्सएप पे बातचीत करें, तो उसके लिए भी आप सेल्स की चला सकते हो, कॉल्स की चला सकते हो। कॉल्स आप नीचे अपना नंबर जो है वो जैसे वेबसाइट लिंक डालते हैं वैसे कॉल्स अपना नंबर, मोबाइल नंबर डाल के आप उस सूरत में एक लीड जनरेट कर सकते हो, सेल्स की सूरत में सेल जनरेट कर सकते हो। तो ये हमारे 6 ऑब्जेक्टिव थे जो हमने आज डिस्कस करें। वीडियो तकरीबन 6-7 मिनट की हो चुकी होगी। तो अगली हमारी क्लास के अंदर हम एक कैंपेन रन करना सिखाएंगे जिसमें सबसे पहले हम अवेयरनेस को टारगेट करेंगे, फिर ट्रैफिक को, फिर एंगेजमेंट, फिर लीड्स, फिर ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन तो मेरे पास कोई ऐप नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए फिर भी कुछ ना कुछ कर लूँगा बंदोबस्त। बाकी नीचे आपका लास्ट में आता है सेल्स, ये ई कॉमर्स के लिए होता है। इसके अंदर ज़्यादातर एक वेबसाइट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल आपने इस कोर्स से दो काम आप कर सकते हो। हमारी लास्ट के अंदर एक बोनस क्लास होगी जिसके अंदर मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अर्निंग कर सकते हो उनकी प्रोडक्ट सेल करके, सोशल मीडिया मार्केटिंग के ज़रिए अपनी कमीशन एक रख कर आप उसको प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। तो आज हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम ब्रांड अवेयरनेस की एक कैंपेन चलाएंगे, डिज़ाइन कैसे बनेगा कैनवा के ज़रिए वो भी सिखाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।